हे गाइस, कैसे हो गाइस। मैं आपका करदीप सिंह खुराना। और गाइस, फाइनली 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 मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। और सच बोलूँ तो यार, थोड़े टाइम से बहुत अपसेट भी चल रहा था और बहुत टाइम से लाइक समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ क्या करूँ। इंस्टाग्राम पे जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है यार मेरी इस टाइम पे क्या हालत थी। जो एक वीक गुजरा है मेरे चैनल के साथ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी। आ गई है, मीन्स गई नहीं है, वो आ गई है। और एक स्ट्राइक आने की वजह से प्रॉब्लम ये हो गई है गाइस कि अगर मेरे चैनल पे दो स्ट्राइक और आ गई तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रही। क्योंकि मैं सच बोलूँ तो मैं काफ़ी इस चीज़ को लेकर मेरा मूड अपसेट था। काफ़ी दिनों से मेरा मूड अपसेट था और काफ़ी दिनों से मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को लाइक अपडेट भी नहीं कर पा रहा था मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, चैनल पे क्या हुआ। अच्छा, मैंने ये किसी को नहीं बताया मैंने कि चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक कैसे आई है। तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका रीज़न बेसिकली ये था कि आप लोगों को पता है मैं सिद्धू मूसे पाजी की जैसे वीडियो शॉर्ट वीडियोज अपलोड करता हूँ। एक मैंने ऐसी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसमें कि मुझे एंड में पता नहीं था कि एक सीन था पर्टिकुलर, बट मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में बोलूँगा तो फिर दोबारा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी यूट्यूब की तरफ से। और सच बात यह है कि गाइस, मैं एक्चुअली में सच बोलूँ तो मतलब मैं ज़्यादा उस वीडियो के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि वो वीडियो कैसी थी, क्यों थी। प्ले भी नहीं कर सकता यहाँ पे। अगर मैंने कर दिया तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दोबारा पड़ जाएगी मुझे, और दूसरी स्ट्राइक को आगे तो मतलब एक और स्ट्राइक, फिर चैनल टर्मिनेट, तीन स्ट्राइक पे चैनल टर्मिनेट हो जाता। तो एक तो आई गई है, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी। वो अगर अपनी तरफ से देना चाहे तो दे भी सकते, कोई भरोसा भी नहीं है यूट्यूब का। तो ऐसा करके एक स्ट्राइक पड़ चुकी है मेरे चैनल पे, और इसकी वजह से मेरे चैनल थोड़ा सा खतरे में है कहीं ना कहीं। अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और एक और चीज़ मुझे जो अभी मालूम पड़ी रिसेंट टाइम में कि पता लाइक मेरे को वैसे तो पता था कि मेरी बहुत सी वीडियोस कॉपीराइट क्लेम में है। अब कई लोग सोचेंगे कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक में मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या फ़र्क होता है। तो फ़र्क ये होता है गाइस कि बेसिकली क्या होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मतलब यूट्यूब की तरफ से मुझे स्ट्राइक पड़ी है, ठीक है। और एक स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक जो एक आपने कोई मींस कोई भी वीडियो ली हो किसी बंदे की पर्टिकुलर, एक छोटा सा सीन भी लिया हो एक बंदे का, उसने आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दी, मतलब सॉरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक बोल रहा हूँ, उसने आपको एक स्ट्राइक दे दी, कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी कि आपने मेरी क्लिप कैसे मेरी बिना परमिशन के यूज़ किया, तो वो एक स्ट्राइक हुई। अब कॉपीराइट क्लेम में क्या हुआ, कॉपीराइट क्लेम में बेसिकली क्या होता है, जैसे अब मैंने कोई म्यूज़िक यूज़ करा है सपोज, ठीक है, किसी भी सिंगर का म्यूज़िक यूज़ करा है, ठीक है, वो मुझे वो मुझे कॉपीराइट क्लेम दे सकता है कि मैं उसके विदाउट परमिशन के उसके म्यूज़िक को यूज़ कर रहा हूँ। तो वो सीन मैं वहाँ से कट कर दूंगा तो मुझे यूट्यूब की तरफ से इनकम आ जाएगी, और अगर मैंने वो म्यूज़िक नहीं हटाया तो मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई इनकम नहीं आएगी। जिस बंदे का मैंने म्यूज़िक यूज़ किया है उसके पास सारे जो मेरी इनकम है वो सारी चली जाएगी। और मैं एक और बात बता दूँ, मेरे सब्सक्राइबर चाहे 50,000 हैं लेकिन मेरा जो है मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है अभी तक। मेरे को एक इनकम नहीं आई है यूट्यूब की तरफ से, एक सिंगल डॉलर तक नहीं आया मुझे यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। 8 साल हो गए लेकिन मेरे को कोई पैसा नहीं आया यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। तो ये था पूरा जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना था अपनी वीडियो में, मैंने बता दिया है अपनी तरफ से। और मैं आप लोगों से एक ही चीज़ चाहता हूँ, सपोर्ट चाहता हूँ और प्यार चाहता हूँ बहुत सारा आप लोगों से, जो आप लोग देते हो मुझे स्टार्टिंग से दे रहे हो। 8 साल का सफ़र है मेरा पूरा, 8 साल से आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत थैंक यू सबका। आई होप इसके बाद कोई प्रॉब्लम ना आए और मैं जो अपने चैनल पे एक्टिव रहूँ कि कुछ वीडियोस अपलोड करता रहूँ। और थोड़ा मतलब मैं सच बोलूँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन मेरी मेहनत सारी वेस्ट हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे इस टाइम, मेरे को ऐसा ही फील हो रहा है। बट चलो, अगर देखो मैं सच्ची बोलूँ, मैं सच्चा हूँ तो मेरे साथ बुरा तो नहीं होगा, लेकिन अभी देखते हैं रब के ऊपर है कि वो क्या करते। तो
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस। बस बाबा दीजिए, बाबा जी अरदास है कि और यार मैं थोड़ा अटक रहा हूँ खुद को, तो फिर सच बोलो मैं थक भी गया हूँ और मेरे को थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा, मेरा माइंड बहुत ऑफ चल रहा था, बहुत दिनों से मेरा माइंड ऑफ था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बताऊँ सबको और क्या। मैंने फैमिली को भी बताया तो वो भी थोड़ा मेरे से डिसअपॉइंटेड हुई हैं, लेकिन चलो एंड द मोमेंट थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन चलो देखते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद किया भाई मतलब मैंने कहा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या हुआ है बेसिकली और मैं क्यों इतना इनएक्टिव हुआ पड़ा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो बस ये तक की थी गाइस ये वीडियो, बाकी मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ या नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, कीप योर सपोर्ट, कीप योर प्रेसिंग, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय।